Hello everyone, this is Rangoli and welcome back to my channel Rangoli Vlogs. चल रही है नवरात्रि और आज है अष्टमी, तो सबसे पहले आप सब नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने घर, इनफैक्ट मैं चली आई थी अपने घर। रास्ते का ज्यादा कुछ तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है वो पहले आप देख लीजिए और फिर मिलते हैं आप। सबसे पहले डू सब्सक्राइब। सो आज है नवरात्रि का छठा दिन, आज है षष्ठी और आज हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और हमारी ट्रेन थी रात में और यहाँ चुलचुल सो भी गए थे रास्ते में। और देखिए पूरा बोकारो ही सजा हुआ है अभी, तो इनफैक्ट हर शहर सजा होगा। माता रानी का नवरात्रि चल रहा है तो हर शहर ऐसे ही दुल्हन की तरह सजा रहता है और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए और अब हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन। और बस हम लोग गए अंदर और यहाँ ये दोनों बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे घर जाने के लिए, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट चुलबुल का हर टाइम का यही है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है घर जाने के लिए। हर कोई एक्साइटेड होता है बट उसके एक्साइटमेंट का लेवल ना हमारे एक्साइटमेंट के लेवल से थोड़ा हाई रहता है। इनफैक्ट सबके एक्साइटमेंट के लेवल से बहुत ज़्यादा हाई होता है। और बस हमारी ट्रेन आने वाली है और हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का कि वो कब आएगी। और मैंने यहाँ कुछ बोला नहीं क्योंकि ट्रेन की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ना सारे ट्रेन की, कि मैं कुछ बोलती भी तो यहाँ आपको सुनाई नहीं देता तो मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ता। तो मैंने सोचा ठीक है चलो मैं वॉइस ओवर ही कर लूँगी, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ चुलबुल को देखिए वो डांस कर रहे थे जब हमारी ट्रेन आई, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और वो डांस करने लगे थे। और उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर हम सो गए। और ये नेक्स्ट डे का है, सुबह हो गई थी और नेक्स्ट डे सुबह हमारी ट्रेन बस पहुंचने ही वाली थी मुजफ्फरपुर। और यहाँ चुलचुल सो रहे हैं और चुलबुल सुबह होकर देख रहे थे, बहुत मज़ा आता है उसे ट्रेन में बैठने के बाद भी बहुत मज़ा आता है। रात में तो कुछ दिखा नहीं क्योंकि अंधेरा था। और यहाँ हम लोग बैठ के अपनी कार में, और हमें लेने आए थे पापा और शानू जी। और ये है हमारा पूजा रूम जहाँ हर साल कलश स्थापना होती है और पापा हर साल कलश स्थापना करते हैं। और ये है माई और यहाँ कलश स्थापना होती है हर साल। और ये हमारा पूजा रूम और यहाँ जल रहा है अखंड ज्योत, जो कि हर साल नवरात्रि में जलता ही है अखंड ज्योत, तो वो भी यहाँ जल रहा है। तो आपने देख लिया होगा कुछ इस तरह हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर और आज है अष्टमी और हम लोग रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए क्योंकि आज हमें माई पूजना है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, 8:15 हो रहा है शायद अभी। तो ये अलीशा और हम लोग रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए और चलते हैं मंदिर। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा तो चलते हैं मंदिर और फिर देखते हैं क्या रिकॉर्ड हो पाता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर। और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, गहवर के लिए जहाँ हमें पूजना है माई। तो वो हमारे घर के बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट में हम लोग बस पहुँच जाते। और लीजिए हम लोग पहुँच के गहवर माई पूजने और उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर पूजा। और हमने यहाँ पे अपनी पूजा शुरू कर दी है, भीड़ था पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था और यहाँ पे हमने अच्छे से पूजा कर लिया गहवर का, गहवर में। और यहाँ पे मम्मी, मैं और अलीशा सब लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे। जो लोग भी बिहार और झारखंड के होते होंगे उन्हें पता होता होगा यहाँ पे गहवर होता है, और गहवर होता है हर जगह ऐसे पिंड बना होता है उसे हम लोग गहवर कहते हैं, और वहाँ पे हम लोग माई पूजते हैं।
और उसके बाद हम लोग बाहर आए और यहाँ पे हमने ध्वजा की पूजा की। वही पूजा अभी हम लोग यहाँ कह रहे हैं। ये मंदिर के कैंपस के अंदर ही है, बट उसके कैंपस में ही है। यहाँ पे हम लोग बाहर आके फिर यहाँ पे पूजा कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे मंदिर। वहाँ से बस 1 मिनट के रास्ते पे ही है माता का मंदिर। और ये पूरे मंदिर के बाहर मेला लगा हुआ था वैसे भी, और बहुत सुंदर डेकोरेशन था। और दशहरा में तो मेला लगता ही है। और यहाँ पे बहुत सारा सामान साइड, दोनों साइड में लगा हुआ था, मूर्ति, श्रृंगार का सामान और बच्चे के खेलने के बहुत सारे खिलौने यहाँ पे लगे हुए थे। और पहले हम लोग माई का दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि लेना क्या है। और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, दूर से ही थोड़ा बहुत माइक का मैं रिकॉर्ड कर पाई थी। और उसके बाद फिर हम लोग इधर साइड में हमें जगह मिला, फिर हम लोग यहाँ पे पूजा करना शुरू किए। फिर हमने पूजा कर ली और फिर माई के भोग लगने का टाइम हो गया, तो थोड़ा देर पट बंद था। और यहाँ ये दोनों बच्चे को लेकर खड़े थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पट खुलने के बाद हमने चढ़ाया प्रसाद और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है माइक को अपने कैमरे में। और ये मिला मुझे प्रसाद। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। और काफ़ी भीड़ थी मंदिर में, काफ़ी भीड़ थी, बट अच्छे से प्रसाद चढ़ गया, प्रसाद मिल भी गया। और उसके बाद हम लोग निकल गए और उसके बाद चुलबुल चुलचुला गए अपने सेक्शन में, जहाँ पे बहुत सारे खिलौने रखे थे और ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि लेना क्या है। फिर यहाँ से उन लोगों ने कुछ खिलौने लिए और उसके बाद फिर चुलबुल आ गए थे अपने फेवरेट सेक्शन, जो कि है मूर्ति का सेक्शन। बहुत खूबसूरत मूर्ति यहाँ रखा था, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ से चुलबुल को जो भी लेना था वो यहाँ से वो ले चुका था। और उसके बाद हम लोग आ गए घर, जो पूजा था वो हमने किया। और बस अभी हम लोग मंदिर से आ चुके हैं और यहाँ पार्ट तो कल ही ख़त्म हो गया था क्योंकि हमारा 7 दिन का पार्ट था, तो हमारा पार्ट कल ख़त्म हो गया था। आज बाकी जो पूजा है वो हम लोगों ने की। बहुत थक चुके हैं अभी तक। बने अष्टमी, तो आप सभी को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल है महानवमी, कल है हब कनेक्टेड। पूरे ब्लॉग में बने रहे और जय माता दी, जय माता दी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।